ये चैम्परिंग तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, है ना, ये चैम्परिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और कल हम लोग चैम्परिंग पे बात कर रहे थे। ये आपको लेथ में चैम्परिंग कैसे करता है उसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। ये आगे जो लेथ का ऑपरेशन है वो आपको ड्रिलिंग का है। ड्रिलिंग देखिए लेथ में कैसे किया जाता है। ये आपको टेल स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक ना इस साइड में रहता है, और उसके बाद यहां पर टेल स्ट्रोक के एक एंड में ड्रिल बिट लगाया जाता है, ड्रिल बिट लगाया जाता है और फिट इधर से दिया जाता है ना। ये आपको टेल स्ट्रोक का क्लैंप है, ये आपको क्विल क्लैंप है, और ये आपको मूविंग क्विल है। इससे मूव करते हैं, जो फिट जो देते हैं ना मूविंग क्विल से देते हैं। ये जो फिट देंगे ना ये आपको मूविंग क्विल से देंगे, मूविंग क्विल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको आगे फिट आपको आगे बढ़ेगा। और ये वर्क, ये जो वर्क पीस है ये आपको चक में आपको आपको होल्ड रहेगा, है ना। तो लेथ में जो ड्रिलिंग किया जाता है ये मूविंग क्विल को घुमा करके ये ड्रिल बिट को धीरे धीरे आपको बढ़ाया जाता है। आपको ड्रिल जो है आपको इसी तरह किया जाता है ना। फिगर आपको बहुत ही आसान है, और यहां से आपको समझ में आ जाता है कि कैसे जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन, होल बनाने का ऑपरेशन लेथ में किया जा सकता है ना। वर्कपीस को यहाँ पे होल्ड कीजिए, चक में होल्ड, वर्कपीस को चक में आप होल्ड कीजिए, और यहां से आपको ड्रिल बिट को टेल स्ट्रोक में लगाइए, और ये मूविंग क्विल को आप रोटेट कीजिए, ये आपको फिट यहां से जाएगा और ये आपको यहाँ पे आपको ड्रिल हो जाएगा, है ना। ये आपको ड्रिल यहाँ पर आपको हो जाएगा, ये ड्रिलिंग आपको लेथ में करते हैं। दूसरा ऑपरेशन है बोरिंग का, है ना। वो ड्रिल मतलब उसका ये सर थोड़ा ऊपर करिए सर। हाँ हाँ ये बोल रहे थे ड्रिल का मतलब हिंदी क्या होता है सर? ड्रिल बिट, ड्रिल का हिंदी? हाँ सर, ड्रिल का हिंदी तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये तो इंग्लिश टर्म है ना। जी सर, इंग्लिश टर्म है तो हिंदी में तो मुश्किल ही है, क्योंकि इसको, इसकी जो खोज की थी ना हेनरी मोल्से ने की थी, वो अंग्रेजी था, वो अंग्रेजी था, है ना। इसमें ये सर बताइए ड्रिल का क्या काम होता है, और क्विल चैंप का क्या काम होता है, और मूविंग क्विल का क्या, ये तो बता सकते हैं सर? ये जैसे ये ड्रिल है ना, ड्रिल बिट मैंने आपको दिखाया था कल भी, आपको मैंने आपको ड्रिल बिट आपको दिखाया था, है ना, टूल में आपको ड्रिल बिट मैंने आपको दिखाया था ना। तो ड्रिल बिट में ये आपको पहले मैं आपको ड्रिल आपको दिखाया था, मैं आपको फिर से आपको ड्रिल बिट आपको दिखा देता हूँ कि ड्रिल बिट किस तरह का होता है। आपको यहाँ भी देखिए ड्रिलिंग का मैं ऑपरेशन दिखाया था आपको, मैं आगे भी आपको ड्रिल बिट आपको दिखा देता हूँ, है ना। ड्रिल बिट मैंने आपको टूल में आपको दिखाया था पहले, ये देखिए आपको ड्रिल बिट लगा हुआ है। अच्छा जी सर, है ना, ये आपको ड्रिल बिट लगा हुआ है, ये ड्रिल चेक है, ये आपको मोर स्टेपर है। देखिए इसका हिंदी मिलना मुश्किल है, आप कहिएगा ना मोर्स का हिंदी बताइए तो वो आपको मिलना मुश्किल है। ये जो है हेनरी मोल्से का ही वर्ड है, और ये हेनरी मोल्से एक अंग्रेज था, और अंग्रेज का ही खोजा हुआ है, तो जो टर्मिनोलॉजी है आपको अंग्रेजी में ही है, है ना। हिंदी में इसका नहीं आता है सर ना? नहीं हिंदी में नहीं है, हिंदी में जो है आप इसको कुछ नाम दीजिए, जो क्या नाम देंगे आप इसको, छेदक नाम दीजिएगा, छेद करता है तो छेदक बोलिएगा, है हाँ, ये छेद करता है तो उसको क्या बोलिएगा, वो छेदक बोलिएगा जी जी, हाँ तो नाम इसको वही छेदक आपको इसको बोलना पड़ेगा। तो हिंदी में तो अपना ही भाषा में जैसे हम लोग बिहार में बोलते हैं उसी भाषा में इसको बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ तो अपने तो ये आपको ड्रिलिंग था, है ना, ये आपको ड्रिलिंग था। ड्रिलिंग पे हम लोग बात कर रहे थे, ड्रिल बिट को यहाँ पे आपको लगाया जाता है और ये मूविंग क्विल को आपको घुमाया जाता है।
अच्छा मूवी क्विल से मतलब वहां के घुमाना हो सर ना। अच्छा हाँ मूवी क्विल मतलब यहाँ पे ड्रिल मूविंग जो कूल लगा को है यहाँ यहाँ। पे घुमाइएगा ना, ये हैंडल है हाथ से पकड़ने का। हाँ जी जी सर यही पूछ रहे थे आप, हाँ तो हैंडल घुमाना है ना ये सर। हाँ इसको घुमाइएगा तो ये आगे बढ़ेगा, जी सर तो ये होल का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, फिर अंदर मतलब जितना आप घुमाएंगे उतना ही होल कर सकता है सर ना, ठीक हाँ हाँ है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ड्रिल कर बिल्कुल सकता है। हाँ जी जी सर बिल्कुल यही पूछ। और ये क्विल अभी क्विल कलम का इसका क्या काम है सर? ये यहाँ पे क्लैम करेगा, टेल स्टॉक को क्लैम करेगा, ये जो क्विल क्लैम करेगा, ये जो मूविंग क्विल है ना, जी इसको सर जब आपको नहीं घुमाना है तो इसको क्लैम कर देगा। अच्छा, रुक जाएगा सर उस जगह। जी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जब नहीं सर घुमाना है तो आपको ये आपको जो है यहाँ पर आपको क्लेम कर देगा। अच्छा, मतलब वो जेन की सर वो मतलब ब्रेक लगा देगा उस जगह, रोक देगा हाँ उसको ब्रेक है लगा ना। देगा, ब्रेक लगा देगा, मूविंग कोइल आगे आगे नहीं बढ़ेगा, ब्रेक लगा हाँ देगा वो। जी जी छोड़ के पूछ रहे थे सर। ठीक हाँ, मूविंग कोइल जो है आगे नहीं बढ़ेगा, उसको उसको ब्रेक लगा देगा, है ना, जी है ना। ये आपको आगे टेल स्टॉक का जी क्लैंप है, टेल स्टॉक को जी यहाँ पे फिक्स कर देगा, जी समझ गए थे सर। ये आपको टेल स्टॉक का क्लैंप है, टेल स्टॉक को फिक्स कर देगा, जी है ना। आ गया ड्रिलिंग समझ में आ गया। एकदम हाँ बिल्कुल, इसको अब तो इतना समझ गए कि हम इसका बिल्कुल, ये बोलेंगे बिल्कुल जो है ये फिगर बिल्कुल इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री से लिया गया पार्ट है, और इंडस्ट्री में जैसे जैसे बनता है ना, ये देखिए पार्ट आपको बताया गया है ना, जी सर। बोरिंग का आपको दिखाया गया। बोरिंग का मतलब है होल को इनलार्ज करना, जी है ना। बोरिंग का मतलब है आपको जो होल है ना, होल को इनलार्ज करते हैं, उसको आपको वो आपको बोरिंग करते हैं, तो ये इसके लिए बोरिंग जूम टूल यहाँ पे लगाया जाता है। करिए थोड़ा सा सर, इसको बड़ा करिए। जी देखिए जी सर हाँ, ये रहा आपका, जी जी ये आपको चक में, ये आपका जॉब हो गया, ये आपको बोरिंग टूल हो गया, ये यहाँ पर आपको ये को डायमीटर को इनलार्ज कर रहा है ना, जी सर ये ना आपको आपको बोरिंग ऑपरेशन है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसका सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाया गया है, बोरिंग टूल का ना सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये जो कटिंग कर रहा है ना, ये होल्स को इनलार्ज कर रहा है ना। आपको समझ में आ गया कटिंग कैसे कर रहा एकदम है? जी सर ये आपको टूल को जो है यहाँ पर आपको इनलार्ज कर रहा है, कटिंग कर रहा है, उसके बारे में आपको दिखाया गया। और दूसरा ना, ये देखिए जो जॉब बना है ना, उसके बारे में आपको दिखा रहा है। ये आपको बोरिंग ऑपरेशन है। बोरिंग का मतलब है आपको इंटरनल सरफेस को जो है ना, आपको इनलार्ज कर देता है, इंटरनल सरफेस को जो है वो आपको इनलार्ज कर देता है बोरिंग में, तो यही आपको बोरिंग है ना। इंटरनल सरफेस को आपको इनलार्ज कर देता है, आपको साइज को बढ़ा देगा, बोरिंग का यही मतलब है, जी ये आपको बोरिंग ऑपरेशन है ना, जी ये आपको बोरिंग ऑपरेशन है। दूसरा है इंटरनल ऑपरेशन। इंटरनल क्या क्या ऑपरेशन होता है? तो इंटरनल फेसिंग एंड टर्निंग होता है, इंटरनल रीमिंग एंड बोरिंग होता है, इंटरनल रेसेस ऑफ द ग्रूविंग होता है, और इंटरनल थ्रेडिंग होता है। ये चार ऑपरेशन इंटरनल ऑपरेशन है, ये इंटरनली होता है ना। और दूसरा इंटरनली, ये जो चार जो मेथड बताया ना चार, ये आपको इंटरनल जी ऑपरेशन है, ये आपको इंटरनली ही आपको होता है। सर रीमिंग करने का मतलब है कि होल का जो डायमीटर है उसको फिनिश करना, है ना, आपको जी ये आपको उसमें दिखाता है। दूसरा टेपर टर्निंग मेथड है, टेपर टर्निंग जो है ये चार मेथड से कर सकते हैं। अच्छा टेपर टर्निंग कट करना ना, टेपर टर्निंग का मैंने आपको पहले भी ऑपरेशन दिखाया था, है ना, टेपर टर्निंग टूल दिखाया था। तो टेपर टर्निंग जो है चार मेथड से कर सकते हैं, फॉर्म टूल मेथड, स्विवल कंपाउंड ड्रेस से, टेपर टर्निंग अटैचमेंट से, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से, एंड मैनुअल मेथड से, है ना। ये पांच मेथड से आप टेपर टर्निंग कर सकते हैं। ये देखिए आपको टेपर टर्निंग किया हुआ जॉब है,
है ना, टेपर एंगल जी कैसे निकालेंगे, ये आपको डी वन हो गया, ये आपको डी टू हो गया, और ये लेंथ एल हो गया, है ना, लेंथ ऑफ द जॉब, है ना, ये एंगल अल्फा निकल जाएगा, टेन अल्फा निकल जाएगा, डी वन माइनस डी टू डिवाइड बाई ट्वेल्व, है ना, डी वन माइनस डी टू डिवाइड बाई ट्वेल्व, ये आपको निकल जाएगा, ये आपको डी वन डायमीटर हो गया, ये आपको डी टू डायमीटर हो गया, ये आपको लेंथ एल हो गया, है ना, ये जो अल्फा है ना, ये आप अल्फा आपको निकल जाएगा, ये अल्फा यहां से निकल जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, ये फॉर्मूला आपको याद करना जो है आपको जरूरी है ना, आपको देखिए फॉर्म टूल मेथड क्या है, ये आपको फॉर्म टूल हो गया, और जिसका जो फॉर्म टूल का जो एंगल है ना, ये अल्फा एंगल पे आपको आपको कटा हुआ है, ये जो टैपर है ना अल्फा एंगल पे है ना, ये जो टैपर है ना, और ये आपका वर्कपीस हो गया, और फॉर्म टूल को डायरेक्शन ऑफ फिट इधर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ फिट इधर देते हैं, और तो ये जो है फॉर्म टूल आपको दिखाई देता है ना, तो ये आपको वर्कपीस को आपको रोटेट करते हैं और फॉर्म टूल को डायरेक्शन ऑफ फिट देते हैं, तो आपको जो है ना एंगल आपको टेपर कट जाता है ना, क्लियर हो गया, कैसे टेपर कटेगा वर्कपीस में, ये आपको फॉर्म टूल है, जितना एंगल का कट करना है उतना एंगल का यहाँ पे फॉर्म टूल पे बना देते हैं, और उसको डायरेक्शन ऑफ फिट इधर से दे देते हैं, डायरेक्शन ऑफ फिट दे देते हैं, तो आपको वर्कपीस में आपको ये कट हो जाता है ना, ये आपको फॉर्म टूल मेथड है, ये आपको फॉर्म टूल मेथड कहलाता है, ये आपको फॉर्म टूल मेथड कहता है। दूसरा है कंपाउंड रेस्ट मेथड, कंपाउंड रेस्ट था ना, कंपाउंड रेस्ट स्लाइड था ना, और कंपाउंड रेस्ट को ना ये टर्न कर देते हैं, देखिए कंपाउंड रेस्ट को ही टर्न कर देते हैं, ये आपको लेथ का आपको दिखा रहा है, आपको डॉग दिखा रहा है, डॉग मैंने आपको पहले आपको दिखाया था, डॉग से वर्कपीस को क्लेम करेंगे, और ये आपका मेंड्रल है, आप पूछ रहे थे ना मेंड्रल को, मेंड्रल का क्या यूज है, ये देखिए मेंड्रल जो है वर्कपीस को होल्ड करता है, ये आपको वर्कपीस है, ये वर्कपीस को मेंड्रल जो है ना होल्ड करता है, टेल स्ट्रोक और हेड स्ट्रोक के बीच में आपको आपको होल्ड करता है ना, तो यहां पर आपको डॉग का काम भी आपको आपको बता दिया, मेंटल को काम भी आपको आपको क्लियर हो गया, ये आपको टेल स्ट्रक का क्विल है, ये आपको टेल स्ट्रक है ना, ये आपको फेस प्लेट है ना, तो ये इसमें आपको फेस प्लेट में आपको डॉग लगा करके आपको वर्कपीस को क्लेम किया गया है ना, मेंटल के हेल्प से आपको क्लेम किया गया, और ये आपको टूल पोस्ट है, ये आपको टूल होल्डर है, ये आपको क्रॉस स्लाइड है ना, जितना एंगल पे कट करना है ना उतना एंगल का अल्फा उसको टर्न कर देंगे, है ना, और देखिए यहाँ पे टूल लगा हुआ है, और डायरेक्शन ऑफ फिट इधर देंगे, आपको यहां पर आपको टेपर कट हो जाएगा, है ना, बहुत ही अच्छा फिगर दिया हुआ है, आपको जो टेपर कट करना है तो इस मेथड से भी आप टेपर कट कर सकते हैं, है ना, कंपाउंड, ये आपको कंपाउंड रेस्ट स्लाइड है, ये कंपाउंड रेस्ट हैंड क्रैंक है, ये आपको आपको ये जो है टेपर कट करने का आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है ना, है ना, ये कंपाउंड जो है टेपर कट करने का आपको बताया जा रहा है। दूसरा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, है ना, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, देखिए यहां पर आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगाया गया, ये आपको बेस प्लेट है, ये आपको लॉकिंग स्क्रू है, ये आपको गाइड बार है, ये आपको बाइंडिंग स्क्रू है, आपको ये आपको क्रॉस स्लाइड से आपको यहाँ पर टेपर है, ये अटैचमेंट लगाया गया है ना, टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा करके आपको टर्निंग अटैचमेंट का क्या काम होता है सर, ये जॉब को टर्न कर देता है, जो टूल है ना ये टूल का जो है उसको टर्न कर दिया, और टूल को जितना एंगल पे टर्न करना है उतना वो अटैचमेंट लगा दिया, तो फिर जो है वो जो आपका आपका मूविंग होगा वो आपको टैपर होगा, टैपर होगा वो,
ये आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट का फिगर है, और दूसरा है टेल स्टॉक सेट ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक को ऑफसेट कर देंगे ना तो टेपर टर्निंग होगा, है ना। ये देखिए हेड स्टॉक का और ये टेल स्टॉक का, ये जो लाइन है ना ऊपर वाला लाइन है ना, ये आपका ओरिजिनल लाइन है, है ना। ये जो लाइन है ना आपका ओरिजिनल लाइन है। ये सेट ओवर जो है सर, इसको क्या घुमाएंगे तो ये नहीं सेट ओवर का मतलब है ना, टेल स्टॉक को नीचे आपको सेंटर ले आया गया है, टेल स्टॉक को जो है ना थोड़ा इधर हटा दिया गया है बेड पे नीचे, हाँ नीचे कर दिया गया, तो सेट ओवर कर दिया गया जी सर। सेट ओवर कर दिया गया तो ये जो है ना देखिए जॉब जो है ना आपको टर्न हो गया, जॉब जो टर्न हो गया, जॉब अगर टर्न हो गया तो ये आप डायरेक्शन फिट देंगे, ये आपको वर्कपीस देंगे, है ना। ये आपको नॉर्मल लेंथ एक्सिस है, ये आपको वर्कपीस एक्सिस है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फिट देंगे तो आपको ये आपको सेट ओवर करके आपको जो है टेपर टर्निंग होगा। जैसे सर यहाँ सेट हरिमोनी के लिए यहाँ तक करके यहाँ पे पहुंचा दिया सर, हाँ वहां तक यहाँ साइड तक पहुंचा दिया, उसके हाँ। बाद हमको ये जो टेपर टर्निंग जो ये जो बना हुआ है जैसे अंडर जैसा, हाँ तो इसको ऊपर से ये क्या है नॉर्मल और लेथ एक्सिस, ये तीनों दोनों को नीचे मतलब यहाँ पे पहुंचाना है सर क्या? देखिए नॉर्मल लेथ एक्सिस पहले ये था, नॉर्मल लेथ एक्सिस आपका ये था, और अब अभी जो वर्किंग वर्कपीस एक्सिस है ये वाला है, तो वर्कपीस जो है आपको टेढ़ा हो गया, है ना। वर्कपीस टेढ़ा हो गया तो यहाँ पे जब टूल रखेंगे आप डायरेक्शन आप फिट देंगे तो फिर आपको कटिंग होगा। अच्छा जी जी समझ गए, है ना। अच्छा नॉर्मल लेथ एक्सिस मतलब ये पहले था, बाद में वो वर्कर प्राइस जो है एक्सिस ये बाद में आया सर ना? हाँ 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 बिल्कुल 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 जी सर। उसके बाद ये जो है नीचे मतलब डायरेक्शन आप रेडियो तीर लगाएंगे तब वो सीधा होगा सर ना? हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये आपको टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड है, टेल स्टॉक को ना एक्सिस से सेट ओवर कर देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं जी जी सर, है ना। ये आपको टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड है, हाँ ये क्लियर हो गया। वहाँ पे सर बटन ऊपर पे कुछ दबने वाला रहता होगा दबने के लिए, जैसे नॉर्मल लेते एक्सिस है तो इस हाँ। पर यहाँ तो मॉनिटर नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ तो कुछ तो बटन या कुछ तो दबने वाला होगा। हाँ ये जो ना टेल स्टॉक को ना इधर सरका देते हैं, टेल स्टॉक को ना वो समझ गए सर, जैसे सेट आवर जैसे मॉनिटर यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर हिसाब से, हाँ। तो वहाँ तो कुछ तो दबाने वाला होगा ना बटन, तभी तो सेट ओवर यहाँ पे सटता होगा सर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही हम पूछ रहे थे कि वहाँ पे कुछ तो दबने वाला होगा या कुछ करने वाला होगा तभी तो मशीन यहाँ सेट ओवर यहाँ सटेगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हम पूछ रहे थे सर, कहे मन इसलिए फिगर है तो लिखा हुआ है, वहाँ तो दबने वाला होगा तभी तो ये चीज ऐसा होगा, एंगल सीधा बन सकता है इसका। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होता है, वही वही सर। हाँ ये आपको आपको जो है टेल स्टॉक का जो है आपको टेपर टर्निंग है, टेल स्टॉक मेथड है। दूसरा ऑपरेशन है थ्रेड कटिंग, जी सर थ्रेड कटिंग जो है स्क्रू कटिंग टूल से होता है, ये जो ना स्क्रू कटिंग टूल है, देखिए ये पूरा आपको थ्रेड कटिंग हो रहा है, आपको इधर ट्रेवर्स करते हैं और उसमें थ्रेड कट होता है ना। लेथ्स आर यूज्ड टू कट थ्रेड्स इन द राउंड बार, राउंड बार में आपको थ्रेड कट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस थ्रेड टेक द डिफरेंट प्रोफाइल्स, आपको डिफरेंट प्रोफाइल का है ना आपको थ्रेड जो है यहाँ पे आपको कट हो जाता है, ये आपको थ्रेड कटिंग ऑपरेशन है। चूड़ी काटते हैं ना वर्कपीस में, जी जी सर, तो इसमें आपको चूड़ी कट जाता है, थ्रेड कट हो जाता है, है ना, ये आपको थ्रेड कटिंग ऑपरेशन है। और ये जो थ्रेड कटिंग ऑपरेशन है ना तो उसके लिए क्या करते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये जो है वर्कपीस लगा हुआ है और ये आपको कटिंग टूल है और ये आपको यहाँ से आपको घुमाया गया है ना, थ्रेड कटिंग का आपको दिखाया गया है।
कैसे कट होता है ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है ना, साइड व्यू आपको दिखाया गया है, वर्क पीस का साइड व्यू आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, वर्क पीस का साइड व्यू आपको दिखाया गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थ्रेड यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, राइट हैंड थ्रेड है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है, वन स्टार्ट थ्रेड है, टू स्टार्ट थ्रेड है ना, राइट हैंड थ्रेड का आप जो है मतलब समझिए, ये देखिए राइट हैंड से मूव कर रहा है ना, है ना, और ये आपको लेफ्ट हैंड से मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड से जी सर, है ना, राइट हैंड का मतलब समझिए और लेफ्ट हैंड का मतलब समझिए, ये ऑन स्टार्ट और टू स्टार्ट मतलब क्या हुआ सर, राइट हैंड में ऑन स्टार्ट हुआ? नहीं नहीं, वन स्टार्ट और टू स्टार्ट का मतलब है, देखिए टू स्टार्ट में दो जो है ना दो थ्रेड आपका साथ चलेगा, हाँ दो थ्रेड मतलब रेड और ग्रीन जो दिया हुआ है, हाँ हाँ इसमें दो थ्रेड साथ चलेगा, पीच इसका ना दोनों मिला करके होगा, वन स्टार्ट में एक ही चल रहा है, हाँ और ये इसमें जो पीच है ना ये एक ही चलेगा, वन स्टार्ट में आपको एक ही चलेगा जी जी सर, और टू स्टार्ट में दो चलेगा जी जी, है ना, टू स्टार्ट में आपको दो चलेगा, वन स्टार्ट में आपको आपको वन चलेगा, ये आपको टाइप्स ऑफ थ्रेड आपको दिया हुआ है ना, ये आपको टाइप्स ऑफ थ्रेड आपको दिया हुआ है और टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में यहाँ पर आपको जो है स्टडी किया हुआ है, देखिए ये आपको यूनिफाइड थ्रेड है, ये आपको अमेरिकन नेशनल थ्रेड है, ये आपको बट्टस थ्रेड है, ये आपको स्क्वायर थ्रेड है, ये आपको शार्प भी थ्रेड है, ये आपको आइसोमेट्रिक थ्रेड है, ये आपको एक्मे थ्रेड है, ये आपको राउंड राउंडेड राउंडेड रूट थ्रेड है ना, सबका एंगल जो है अलग अलग रहता है और ये पीच आपको अलग अलग रहता है, 60 डिग्री पे दिया हुआ है, ये आपको बटरस थ्रेड जो है आपको 45 डिग्री और 52 डिग्री का होता है और ये 7 डिग्री का होता है, स्क्वायर थ्रेड आपको 90 डिग्री का होता है ना, एक्मे थ्रेड आपको 29 डिग्री का होता है और राउंडेड रूट आपको 55 डिग्री का होता है, राउंडेड रूट आपको, ये आपको राउंडेड रूट है आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड कितने कौन कौन से होते हैं वो आपको यहां पर आपको क्लासिफाई किया गया है, यूनिफाइड थ्रेड, अमेरिकन नेशनल थ्रेड, बट्रस थ्रेड, आइसोमेट्रिक थ्रेड, शार्प भी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड और राउंडेड थ्रेड, जो आपको इंडस्ट्री में आपको यूज होता है ना, जितने तरह के थ्रेड होते हैं इसका जो है ड्रॉइंग में भी जो है आपको जानना जरूरी है कि ये कौन सा थ्रेड है ना, ये कौन सा थ्रेड है वो आपको जानना जरूरी है, आपको ये दिया हुआ है, दूसरा इंटरनल थ्रेड होता है, इंटरनल थ्रेड, इसके इंटरनल थ्रेड कैसे कट किया जाता है वो आपको यहां पे आपको दिखाया गया है ना, ये आपको थ्रेडिंग टूल है और ये आपको इनसाइड रेसेस है और ये आपको यहां पर टूल जो है आपको इंटरनल इंटरनल थ्रेडिंग आपको कट किया जाता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग सर कहाँ से क्या कैसे क्या करना प्रोसेस बताइए ना कि यहाँ पे ये चीज करना है, कैसे वो बोरिंग करते थे ना जी जी ना, तो ये आपको वर्कपीस हो गया और ये आपको इंटरनल थ्रेड कट कर रहा है जी सर, ये जो है ना आपको इंटरनल थ्रेड कट कर रहा है, हाँ मतलब ये जो डॉट डॉट रंग के लिए हॉल है सर ना, हाँ ये जो है ना ये जो आपको दिखाया रहा ये आपको थ्रेड कटा हुआ है और ये आपको टूल है, अच्छा है ना, ये आपको किया जा रहा है और कैसे यहाँ पर आपको ये आपको टूल यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि टूल का जो है आपको क्रॉस स्लाइड को घुमा करके यहाँ पर इस तरह कट किया जाता है, ये आपको टूल है, ये आपको होल्डर है, ये आपको बार है, ये साइड में जो दिया हुआ है ये घुमाने वाला है सर, घुमाने के लिए है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसके नीचे आइए सर, नीचे आइए सरकार जो यहाँ पे लास्ट में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये आपको घुमाने वाला दिया हुआ है, ये घुमा के अंदर ले जाते हैं टूल को अंदर ले जाते हैं, इसका क्या काम है यहाँ पे सर, ये नीचे नीचे में ये नहीं, ये टूल यहाँ पे रेट के, हाँ ये सर ये क्या है, ये आपको क्रॉस स्लाइड है ना, इसको घुमाएंगे तभी तो ये आगे बढ़ेगा,
जी सर, इसको घुमाने के बाद ये आगे बढ़ेगा और ये हाँ जो इसको, लंबा रहेगा वो अंदर जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल, ये इसको घुमाएंगे तो ये आपको अंदर जाएगा, जी सर, है ना, और फिर ये इसको बाहर करेंगे तो ये आपको बाहर आ जाएगा। अच्छा, फिर ऊपर वाला नीचे वाला अंदर जाएगा, फिर ये इसका यहाँ पे क्या काम है? ये जो टूल जो लिखा हुआ है सर, तो हाँ, इसका फिर इसका क्या काम होता है इसका सर? तो किसका वो कहा? समझ गए, समझ गए, वो समझ गए सर। ये तो होल्डर हुआ कि अंदर आएगा टूल, हाँ, टूल होल्डर में तो एक ही चिन लगा हुआ है सर, बाहर में टूल भी एक होल्डर ही में चिन लगा एक ही हुआ टूल लगा हुआ है, है। जी सर, टूल होल्डर में आपको एक ही टूल लगा हुआ अच्छा है ना, टूल जी जी होल्डर सर, में आपको एक ही टूल लगा हुआ है, और ये आपको टूल है, ये आपको टूल होल्डर है, आपको एक ही टूल लगा हुआ है ये, और ये आपको यहां से घुमाइएगा तो ये आपको बाहर अंदर होगा, है ना। जी, समझ गए समझ गए। हाँ, ये आपको इंटरनल थ्रेड्स है ना। और दूसरा, ऑपरेटिंग कटिंग कंडीशंस जो है, फीड है, डेप्थ ऑफ कट है, कटिंग स्पीड है, ये आपको क्या क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी लेना है कि फिट क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, कटिंग स्पीड भी क्या होता है ना। तो कटिंग स्पीड जो है आपको, का जो फॉर्मूला है, वी इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट, डी हो गया डायमीटर हो गया, एन हो गया स्पिंडल स्पीड हो गया, वी हो गया कटिंग स्पीड हो गया, है ना, पेरिफेरल स्पीड ऑफ द वर्क पीस, ये आपको वी इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000। 1000 मतलब उससे भाग देना है ना मीटर में, मीटर हाँ प्रति मीटर में लाने के लिए। जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर, डी हो गया डायमीटर हो गया, एन गया स्पिंडल स्पीड हो गया, भी हो गया कटिंग स्पीड, है ना, पेरिफेरल स्पीड ऑफ द वर्क पीस पास द कटिंग टूल, ये आपको भी हो गया पाई डी एन बाय 1000, ये आपको मीटर पर मिनट, ये आपको आपको दिखा रहा है, कटिंग स्पीड दिखा रहा जी है ना, ये आपको कटिंग स्पीड दिखा रहा है। अकेले हैं सर क्या? कोई नहीं जुटा है जी? अच्छा, नहीं, एक लड़का ज्वाइन कर रहा था, वो फिर अभी कोई है नहीं, कहाँ अभी कहाँ ज्वाइन कर रहा है, खाली आप अकेले ही हैं, जी अकेले ही हैं, ग्रुप चलिए, में। जो कर रहा है करने दीजिए। मैसेज देखते हैं तो कॉलेज से तो सब लड़का को मैसेज कर रहा है, लेकिन कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है। हाँ, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, हाँ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। चलिए, जो कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत जानकारी ले रहा हाँ है उसको हाँ हाँ नहीं, जानकारी होना तो सर जरूरी है, नहीं तो बहुत। इंडस्ट्री में आप देखिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कम से कम तो ये तो कम से कम है 50% सर जान रहे हैं। जब जाएंगे तो कम से कम ये नॉलेज दिमाग में तो आएगा कि ये चीज हमको बताए थे, ये यहाँ पे हाँ हो रहा है बिल्कुल बोलने के बिल्कुल बाद। बिल्कुल, जब कभी नॉमिनल सुने हैं तो फिर कैसे समझ पाएंगे उस समय, नहीं यही बिल्कुल, दिक्कत ये है। चीज कहीं है ही नहीं, ऐसा जो है, जो आपको हम जो स्पेशल जो है आपको जो है ये लेक्चर नोट बनाया गया है, फिगर वगैरह कलेक्ट किया गया है, ये आपको मटेरियल कहीं है ही नहीं, जी ये जो है स्पेशल जो है उसके लिए हम बनाए हुए हैं कि जो है ऑनलाइन क्लास के लिए, है ना, तो ये सर, मटेरियल कहीं नहीं है, तो ये जो है फिड है ना, द लिनियर डिस्टेंस ऑफ द टूल एडवांसेस फॉर द एवरी रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, है ना, ये आपको फिड है, D1 से D2 का बीच का जो डिफरेंस है ये आपको फिड कहलाता है ना, लिनियर डिस्टेंस ऑफ द हमको ट्रिवल। सर, हाँ हम एक बात, हमको यही लगता है कभी कभी सर कि इंडस्ट्री में जैसे कंपनी, कई कंपनी में जाएंगे, क्या पता साल भर में मतलब सिखा पाएगा कि हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। काहे कि देखिए, वर्कर में रह के तो 10-12 हजार में काम चलेगा नहीं, सोचते हैं थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए, अब जाएंगे 22 में सर, तो अभी हाँ तो हम लोग नहीं का नहीं अभी धीरे रिजल्ट नहीं धीरे दिया है। धीरे धीरे इंडस्ट्री समझ में आ जाता है ना, तो फिर वो जो है आपको आपको सैलरी भी बढ़ जाता जी सर, है ना। साथ देखते हैं हम लोग को जहाँ तक। अब मैं नहीं सर, सरकारी वैकेंसी में भी हम लोग को दिक्कत हो रहा है। वे उन लोग कोरोना महामारी में NTPC का कैंसिल हो गया, ग्रुप डी भी लेट है, तो अब लास्ट में है कम से कम इससे भी नॉलेज रख के बढ़िया पेंशन नहीं कमाएंगे तो दिक्कत है। इसमें भी लगा है पैसा, खर्चा है, प्राइवेट से करते हैं, हाँ 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 इसीलिए हाँ साल हाँ भर में कर रहेंगे तो सीख जाएंगे ना, साल हाँ भर में बिल्कुल कंपनी बिल्कुल में रहेंगे। बिल्कुल, अरे साल भर में क्या, आप 1 महीना में सीख जाइएगा पूरा। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाना पर लगाएंगे सर, हम जितना सोचते हैं कि अभी अगर पढ़ाई में नहीं हो पा रहा है, अगर इसमें भी लगा के दिमाग सक्सेस कर जाए तो बढ़िया पोस्टिंग पे थोड़ा सा पैसा आते रहेगा तो टेंशन फ्री रहेगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल
आप सर लगा दीजिएगा बढ़िया कंपनी में, जो आपको अगर ढंग का मिलेगा कि नहीं, बढ़िया ये सिखाता है ये सब लड़का को काम करने के लिए नहीं, अप्रेंटिस में। वो आपको आपको हम गारंटी नहीं लेंगे, जॉब का गारंटी हम नहीं लेंगे। जॉब का तो अब वो तो वो लड़का के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि और जॉब वहां का पे कंपनी कंपनी में करना। नहीं, वो कंटेक्ट वो जो है वो इंडस्ट्री, वो अपना अपना जो है ना, वो अपना तरीका हैंडल करती है सिलेक्शन का। वहाँ इंटरव्यू देना अच्छा वो पड़ेगा, वहाँ सिलेक्शन होगा तो फिर वो रखेगा, है ना। जी सर। हाँ, वो जॉब का गारंटी नहीं है। आपको यहाँ से आपको ट्रेनिंग रिलेटेड जितना चीज आप पूछना चाह रहे हैं ना, जी सर। वो आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपको बता दूंगा। जी जी सर। चलिए ये भी बहुत अच्छा है हाँ सर। हाँ ये आपको डेप्थ ऑफ कट है, डेप्थ ऑफ कट डी है ना, ये आपको डी जी वन सर। माइनस डी टू बाई टू है ना, ये आपको डी वन हो गया, ये आपको डी टू हो गया, ये आपको डेप्थ ऑफ कट हो गया, है ना। ये आपको डेप्थ ऑफ कट, ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये आपको डेप्थ ऑफ कट है। ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मशीन सरफेस एंड अनकट सरफेस ऑफ द वर्क पीस है ना, ये आपको डी दिखा रहा है, डी वन माइनस डी टू बाई टू है ना, ये आपको डेप्थ ऑफ कट है ना, ये आपको आपको डेप्थ ऑफ कट है, और ये आपको मेटल रिमूवल रेट है। मेटल रिमूवल रेट का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड इन वन रिवॉल्यूशन, कितना मटेरियल वन रिवॉल्यूशन में आपको रिमूव होगा उसको मेटल रिमूवल रेट बोलते हैं। मेटल रिमूवल रेट ये आपको जो है पाई डी एन टू डी इन टू एफ एमएम पर मीटर क्यूब, कितना मटेरियल जो है वन रिवॉल्यूशन में रिमूव होगा उसके बारे में यहाँ पर आपको आपको बताया गया है ना। इफ द जॉब मेक्स एन रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ पर एन से आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेटल रिमूवल रेट जो है ना पाई डी एफ एन एम एम क्यू पर मिनट, ये आपको हो जाएगा है ना, पाई डी डी एफ एन एम एम क्यू पर मिनट, ये आपको मेटल रिमूवल रेट हो जाएगा है ना। दूसरा, मेटल रिमूवल रेट विथ रिस्पेक्ट टू द कटिंग वेलोसिटी आपको 1000 वी डी एफ एफ मीटर क्यूब पर मिनट हो जाएगा, ये आपको कितना मेटल एक रिवोल्यूशन में आपको हटाया गया उसके बारे में आपको बता रहा है ना, है ना, कितना मेटल आपको रिमूव किया गया वन रिवोल्यूशन में उसके बारे में आपको ये आपको बताता है ना। दूसरा है आपको फॉर्मूला मशीनिंग टाइम का, कितना मशीनिंग टाइम लगता है, ये आपको कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है, लेथ में जो कटिंग स्पीड निकालते हैं उसका फॉर्मूला है वी इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट है ना। द टाइम टी फॉर द सिंगल पास आपको ये आपको दिखाया गया, टाइम टी फॉर द सिंगल पास टी एल प्लस एल जीरो डिवाइड बाई एफ एन है ना, एल प्लस एल जीरो डिवाइड बाई एफ एन है ना, एल जो है लेंथ ऑफ द वर्क पीस है, एल जीरो ओवर ट्रेल ओवर ट्रेवल ऑफ द टूल है, एफ जो है फीड रेट एमएम पर रिवोल्यूशन है ना। ये आपको मशीनिंग टाइम है, मशीनिंग जी टाइम कितना लगता है सिंगल पास में, वो टाइम आपको यहां पर आपको बता रहा है ना। एल जो है लेंथ ऑफ द वर्क पीस है, एल जीरो ओवर ट्रेवल ऑफ द टूल है, एफ इक्वल टू फीड रेट एमएम पर रिवोल्यूशन है, ये आपको मशीनिंग टाइम आपको यहां पर आपको आपको यहां पे आपको बता रहा है ना, है ना। द नंबर ऑफ द रफिंग पासेस यहां पे आपको दिखाया जा रहा है ना, ए माइनस ए एफ डिवाइड बाई डी एफ, ए इक्वल टू टोटल मशीनिंग अलाउंस हो गया, ए एफ हो गया फिनिश मशीनिंग अलाउंस हो गया, डी आर हो गया डेप्थ ऑफ कट इन द रफिंग है ना, तो नंबर ऑफ द फिनिशिंग पासेस कितना चाहिए ये आपको यहां पर आपको निकाला हुआ है, ए एफ बाई डी एफ, वेयर डी एफ इज द डेप्थ ऑफ कट इन द फिनिशिंग, कितना पास जो है आपको लगेगा उसके बारे में ये आपको बता रहा है कि कितना पासेस जो है आपको यहां पर आपको लगेगा है ना, है ना, पास कितने लगेगा वो उसके बारे में आपको यहां पे आपको बता रहा है। पावर कितना लगेगा लेथ मशीन में उसके बारे में ये आपको फॉर्मूला बता रहा है, मशीनिंग ऑपरेशन रिक्वायर्स पावर, पावर द पावर टू परफॉर्म मशीनिंग कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम फोर्स एंड वेलोसिटी है ना, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द कटिंग फोर्स एंड द वेलोसिटी है ना, तो ये पावर आपको पीसी इक्वल टू हो गया एफ सी इंटू बी, वेयर पीसी हो गया कटिंग पावर हो गया, एफ सी हो गया कटिंग फोर्स हो गया, बी हो गया कटिंग स्पीड हो गया है ना, पावर कितना लगेगा उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है।
पावर का फॉर्मूला समझ में आ गया? जी जी सर। हाँ, ये आपको पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है पी सी इक्वल टू एफ सी इंटू बी। एफ सी हो गया कटिंग फोर्स हो गया, बी इक्वल टू कटिंग स्पीड हो गया, पी सी हो गया कटिंग पावर हो गया, है ना। तो ये आपको पावर का फॉर्मूला हो गया, और ये आपको नंबर ऑफ पासेस का फॉर्मूला हो गया, कितने पास लगेंगे उसका फॉर्मूला हो गया, ये आपको सिंगल पास का फॉर्मूला हो गया एक पास का, ये आपको कटिंग कटिंग स्पीड का फॉर्मूला हो गया, है ना। ये आपको मशीनिंग टाइम आपको निकल जाएगा, मशीनिंग टाइम का ये आपको फॉर्मूला हो गया, है ना। और दूसरा मेटल रिमूवल रेट का ये आपको फॉर्मूला हो गया, मेटल रिमूवल रेट कितना निकलेगा वन रिवोल्यूशन में, इसका ये फॉर्मूला हो गया। जॉब मेक्स इन द एन रिवोल्यूशन की इसमें कितना निकलेगा मेटल रिमूवल रेट, उसका ये फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये आपको मेटल रिमूवल रेट विथ रिस्पेक्ट टू द कटिंग स्पीड, उसके बारे में आपको ये बताया जा रहा है। ये आपको मेटल रिमूवल रेट के बारे में आपको यहाँ पर आपको आपको बताया जा रहा है ना। ये आपको मेटल रिमूवल रेट हो गया। दूसरा डेप्थ ऑफ कट, ये आपको डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला हो गया, d इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट, और दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मशीन सरफेस एंड अनकट सरफेस ऑफ द वर्कपीस, d इक्वल टू d माइनस d बाय 2, है ना, d1 माइनस d2 डिवाइड बाय 2, ये आपको डेप्थ ऑफ कट हो गया, है ना, ये आपको डेप्थ ऑफ कट हो गया, है ना जी। ये d1 माइनस d2 डिवाइड बाय 2, ये आपको डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला हो गया, और ये आपको फिड का फॉर्मूला हो गया, है ना। फिड ये है, फिड ये है आपको, है ना, ये आपको लीनियर डिस्टेंस ऑफ टूल एडवांसेस फॉर द एवरी रोटेशन ऑफ द वर्कपीस, है ना, ये एवरी रोटेशन ऑफ द वर्कपीस लीनियर डिस्टेंस कहां से कहां तक आपको मूव किया, इसको फिड बोलते हैं, है ना, यहां से यहां तक जो आपको मूव किया इसको फिड बोलते हैं, है ना। ये आपको आपको फिड का फॉर्मूला हो गया। फिड देखिए, ये आपको जानना जरूरी है कि फिड क्या है, कटिंग स्पीड क्या है, ये सब का फॉर्मूला ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये आपको कटिंग स्पीड का फॉर्मूला हो गया, पाई डी एन बाय 1000 मीटर पर मिनट, है ना, डी हो गया डायमीटर, एन हो गया स्पिंडल स्पीड, वी हो गया कटिंग स्पीड, है ना, पेरिफेरल स्पीड ऑफ द वर्कपीस पास द कटिंग टूल, आपको यहाँ पे आपको दिखाया है v इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000, ये आपको कटिंग स्पीड आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, है ना, कटिंग स्पीड का ये आपको फॉर्मूला हो गया। और ये जो ऑपरेटिंग कटिंग कंडीशन यही है, फील्ड डेप्थ ऑफ कट एंड कटिंग स्पीड, कटिंग कंडीशन डेप्थ ऑफ कट को वैरी करते हैं, फील्ड को वैरी करते हैं, कटिंग स्पीड को वैरी करते हैं, है ना, ये कंडीशन है। फील्ड को वैरी करके जो है आपको वो जॉब बनाते हैं, डेप्थ ऑफ कट को वैरी करके जॉब बनाते हैं, कटिंग स्पीड को वैरी करके वो जॉब बनाते हैं, है ना, कटिंग स्पीड को वैरी करके आपको जॉब बनाते हैं। ये आपको इंटरनल थ्रेड्स कैसे कट करेंगे, ये तो अच्छा समझ गए सर, ये फिगर दो तीन फिगर बहुत अच्छा समझ गए सर। हाँ, ये फिगर जो है आप अच्छा से समझ जाइए, एकदम बढ़िया समझ गए सर। हाँ, ये जो है इंटरनल थ्रेड्स कैसे कट करेंगे, दूसरा आपको थ्रेड्स, टाइप्स ऑफ द थ्रेड, कौन कौन से आपको थ्रेड होते हैं, ये जानकारी रहना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ कौन कौन सा थ्रेड होता है, यूनिफाइड थ्रेड, अमेरिकन नेशनल थ्रेड, 32 थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, शार्प वी थ्रेड, आइसोमेट्रिक थ्रेड, एक्मे थ्रेड और द राउंडेड क्रेस्ट थ्रेड, ये आपको टाइप्स ऑफ द थ्रेड आपको जानना आपको जरूरी है, है ना। इसका क्या काम आता होगा सर, टाइप ऑफ जो थ्रेड है, हाँ, क्या मतलब उपयोग किया जाता होगा सर, मतलब फिगर है क्या सर? नहीं देखिए, नहीं फिगर नहीं है, देखिए जो थ्रेड होता है ना, जो जो मशीन में थ्रेड लगता है ना, वो स्क्वायर थ्रेड लगता है। अच्छा, और जी जी सर, ये आपको पावर थ्रेड कहलाता है। स्क्रू जैक होता है ना, स्क्रू जैक, उसमें लिफ्टिंग के लिए आपको स्क्वायर थ्रेड लगता है ना। तो ये जो है थ्रेड अलग अलग जो है, अलग अलग यूज में आपको अलग अलग आपको अलग अलग जो है यूज होता है, है ना। तो ये कितने तरह के थ्रेड होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ये आपको यूनिफाइड थ्रेड है, ये आपको अमेरिकन थ्रेड है, ये अमेरिका में आपको इसका आविष्कार हो गया था, इसलिए अमेरिकन थ्रेड है। ये जो आपको आपको टेक्नोलॉजी है ना, और जो मशीन है ना,
ये आपको अमेरिका की है और यूनाइटेड किंगडम की है, इसीलिए आप जो कह रहे ना ही हिंदी में, तो वो आपको टर्म हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आविष्कार ही अमेरिका में हुआ है और यूनाइटेड किंगडम में हुआ है ना, ना इसी हिंदी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको। ये जो है ना बट्रस नाम है, जिसने कि बट्रस थ्रेड का जो है नाम दिया था, तो ये जो है थ्रेड ना, ये आपको आपको मशीन में यूज होता है ना, है ना। तो ये उसका आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थ्रेड जो है ना वो आपको दिया हुआ है, और टाइप्स ऑफ द थ्रेड आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। राइट हैंड थ्रेड राइट हैंड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट हैंड थ्रेड लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होता है ना। लेफ्ट हैंड थ्रेड ये आपको वन स्टार्ट थ्रेड में आपको वन चूड़ी रहता है, ये आपको टू स्टार्ट थ्रेड में आपको टू पीच होता है ना, ये आपको लीड हो गया, है ना, ये आपको लीड हो गया, टू स्टार्ट थ्रेड है, ये आपको वन स्टार्ट थ्रेड है। सर अच्छा हाँ। वो समझ लेड मतलब क्या होगा ये सर, यहाँ पे वन इसलिए वन स्टार टू स्टार समझ गए कि वन में एक ही है और टू में दो मतलब कलर का दिया हुआ है। देखिए लीड में देखिए लीड में क्या है ना, लीड का फॉर्मूला है एल इक्वल टू वन स्टार्ट थ्रेड में एल इक्वल टू पी हो जाएगा। अच्छा जी, और इसमें एल इक्वल टू टू पी हो जाएगा, इसलिए इसको टू स्टार्ट बोलते हैं। जी जी समझ गया, लीड में एल इक्वल टू टू पी हो जाएगा, उसको टू स्टार्ट थ्रेड बोलते हैं, है ना। और इसमें लीड में लीड इक्वल टू पी हो जाएगा वन पी, इसको वन स्टार्ट थ्रेड बोलते हैं। यही वन स्टार्ट और टू स्टार्ट का मतलब है, वन स्टार्ट और टू स्टार्ट का आपको यही मतलब है। वन स्टार्ट में लीड इक्वल टू पिच हो जाएगा और टू स्टार्ट में लीड इक्वल टू टू पी हो जाएगा, है ना। ये आपको आपको टाइप्स ऑफ द थ्रेड है ना, ये आपको राइट हैंड थ्रेड है, ये आपको लेफ्ट हैंड थ्रेड है, ये आपको वन स्टार्ट थ्रेड है, ये आपको टू स्टार्ट थ्रेड है ना। ये आपको टाइप्स ऑफ द थ्रेड हो गया, और यहाँ पर आपको थ्रेड कटिंग का आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। थ्रेड कटिंग आपको ये टूल है और कैसे कट कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत फिगर दिया हुआ है, है ना। ये ओरिजिनल फिगर आपको इंडस्ट्री से लिया गया है, आपको यहाँ पे आपको ओरिजिनल फिगर आपको इंडस्ट्री का दिखाया गया है कि वर्कपीस पे आपको टूल जो है आपको किस तरह जो है थ्रेड कटिंग कर रहा है, ये आपको यहाँ पर आपको कटिंग टूल है। तो ये जो है टूल ये घूमता होगा तभी सर स्क्रॉल से कटिंग करता होगा सर। हाँ, ये आपको घूमते है, ये आपको जॉब जो है घूमता है, ये आपको जॉब जो है घूमता है, और ये जो है आपको ये इधर आगे बढ़ता है। अच्छा, इसको सपोर्ट सिर्फ देना होगा, घूमेगा सर ना? नहीं नहीं, ये जॉब घूमता है, ये वाला घूमता है, और ये आगे आगे धीरे धीरे इधर बढ़ता है। अच्छा जी जी सर, है ना जी, है ना ठीक सर। हाँ, ये आपको थ्रेड कटिंग हो गया, है ना। थ्रेड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थ्रेड कटिंग जो है ऑपरेशन है। और ये टैपर टर्निंग का मेथड जो मैंने आपको बताया था, ये टैपर टर्निंग की, हाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछता है इंटरव्यू वगैरह में, बहुत पूछता है कि भाई टैपर टर्निंग कैसे करेंगे, लेथ में टैपर टर्निंग कैसे करेंगे, बताइए कौन कौन सा मेथड है टैपर टर्निंग का, कैसे कैसे कर सकते हैं, ये इंटरव्यू में बहुत पूछता है। तो इंटरव्यू में जो पूछता होगा सर, हाँ, तो फिगर, फिगर फिगर देता होगा तभी ना बताएंगे सर, ये अपने से बताना होगा। नहीं, आपको आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर बनाना पड़ेगा ना? हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं बोला कि प्रैक्टिकल फाइल में सारे फिगर आपको होना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकल फाइल में आपको आपको बताया नहीं कि प्रैक्टिकल फाइल जो है बनाइए और जो है उसमें सारे फिगर आपको होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, वो तो फिगर बनाने के लिए बोलेगा कि भाई आप फिगर बनाइए, कैसे करेंगे। तो ये आपको आपको टेल स्टॉक का आपको आपको मेथड यहाँ पे आपको बताया गया, टेल स्टॉक सेटओवर मेथड बताया गया, और यहाँ पर आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट दिखाया गया, और यहाँ पर आपको कंपाउंड रेस्ट मेथड बताया गया। देखिए, है ना, डॉक का यहाँ पे यूज बताया गया है, मैंड्रल का यूज बताया गया है, टेल स्टॉक क्विल बताया गया है, और आपको फेस प्लेट आपको बताया गया है, टूल पोस्ट टूल होल्डर बताया गया है, आपको ये क्रॉस स्लाइड दिखाया गया है, ये अल्फा एंगल बताया गया है ना।
ये आपको डायरेक्शन ऑफ द फीड आपको दिखाया गया है, ये आपको कंपाउंड रेस स्लाइड है, ये कंपाउंड